अब अपन सेट के अंदर, टाइप ऑफ सेट के अंदर नया टॉपिक पढ़ेंगे, सबसेट। तो सबसेट होता क्या है? तो सबसेट में अगर अपन ब्रेक करते तो सब देखते हैं। सब का मतलब क्या होता है कि सेट का कुछ पार्ट। जैसे अपने पास एक सेट दे रखा है, पांच फाइव बुक्स है ना अपने पास, फाइव बुक्स। पहले मैं बता दूं अपने पास डेटा क्या दे रखा है। अपने पास फाइव बुक्स दे रखी है, मैथ्स, साइंस, इंग्लिश, हिंदी एंड मैथ, साइंस, इंग्लिश, हिंदी एंड सोशल बोल देते अपन। सोशल स्टडी है ना, सोशल स्टडी बोल देते अपन। अपने को क्या दे रखा है, फाइव बुक का डेटा दे, ऑब्जेक्ट दे रखा है अपने पास। अब मैंने क्या एक सेट बनाया, एक सेट बनाया इन पांचों बुक्स को लेके, मैथ्स, साइंस, इंग्लिश, हिंदी एंड सोशल स्टडी। अब क्या पढ़े अपन, सबसेट। सबसेट क्या होता है कि सेट का कुछ पार्ट। मैंने क्या एक सेट बनाया कि एक सेट है मैथ्स, साइंस, और मैंने दूसरा सेट बनाया इन्हीं बुक्स को लेके। क्या बोल रहा हूँ, इन्हीं बुक्स को लेके मैंने एक नया सेट बनाया, वो मेरे पास है हिंदी एंड सोशल स्टडी। अब सबसेट क्या होता है कि देखना, अब देखना सबसेट क्या होता है कि कुछ पार्ट। जैसे अपने पास पहले क्या थी, फाइव बुक्स थी। मैंने फाइव बुक्स का सेट बनाया, एक बुक्स सेकंड है, मैंने दो बुक्स का सेट बनाया है। तो सबसेट क्या मतलब, ये बी जो होगा ना उसका सबसेट होगा, बी उसका सबसेट होगा। सबसेट का ये साइन होता है, बी सबसेट ऑफ ए। बी सबसेट ऑफ के कैसे बोल रहा हूँ कि बी जो, बी वाला जो सेट है ना वो बड़े वाले सेट का एक पार्ट है। बी जो एक सेट है ना वो ए वाले सेट का एक पार्ट है। कैसे बोल रहा हूँ मैं, देखना एक क्लास में अपने एक स्कूल में 1000 स्टूडेंट है। कितने, 1000 स्टूडेंट है। बोल दिया मैंने कि एक स्कूल में 1000 स्टूडेंट है, और उसी स्कूल की एक क्लास 11th में, क्लास 11th में अपने पास 100 स्टूडेंट है। अब देखना ये जो 100 स्टूडेंट है वो 1000 स्टूडेंट में भी काउंट होंगे ना, ऑफ कोर्स होंगे, कि क्लास 11 में पढ़ रहा है तो जो 100 स्टूडेंट है वो अगर क्लास में पढ़ रहे हैं तो स्कूल में भी पढ़ रहे होंगे। मतलब ये वाले स्टूडेंट इसमें भी काउंट होंगे। तो इनका जो सेट होगा ना, क्लास 11 का जो सेट होगा वो सेट क्लास स्कूल का जो सेट होगा ना उसका सबसेट होगा। उसका क्या होगा, सबसेट होगा। ऐसे में कहना क्या, चलो जैसे अपने पास ये सेट है 100 स्टूडेंट का जो क्लास 11 में पढ़ रहे, और एक सेट है 1000 स्टूडेंट का अपने पास स्कूल का। देखना अब ये 100 स्टूडेंट 1000 स्टूडेंट में काउंट हो रहे, तो ये वाला जो सेट है ना, ये वाला सेट बी और इस वाले सेट ए, ये बी वाला सेट ए वाले सेट का सबसेट होगा। अब देखना कैसे समझ सकते हो अपन, एक एग्जांपल लेते हैं। मेरे पास एक क्वेश्चन है, जैसे मेरे पास डेटा एक सेट बना रखा है ए, मेरे पास 1 2 3 4 5। बी मेरे पास दे रखा है, बी मेरे पास दे रखा है 2 एंड 3, ये मेरे को दे रखा है। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि अब देखना ये 2 और 3 इसमें भी काउंट हो रहे, मतलब इसका जो सेट है वो सेट इसके अंदर भी आ रहा है। तो मैं बोल सकता हूँ कि बी इज सबसेट ऑफ ए। मतलब सबसेट क्या होते हैं कि वो बड़े वाले सेट का कुछ पार्ट होना चाहिए। मैंने समझा ना, ये सेट इस सेट का कुछ पार्ट होगा। जैसे अपन ने बुक्स ली थी, क्या हुआ था कि मेरे पास फर्स्ट जो ये सेट है वो फाइव बुक्स डेटा का, मैंने एक सेट बनाया ए फाइव बुक्स को लेके। फिर उन्हीं बुक्स को लेके, बुक्स वही है ना, उन्हीं बुक्स को लेके मैंने एक और सेट बनाया वो दो बुक्स का। जो दो बुक्स का जो सेट होगा ना वो सबसेट होगा ए का, क्योंकि उसका जो ऑब्जेक्ट या उसका जो डेटा है ना वो एक सेट के साथ भी एग्जिस्ट कर रहा है। तो अपन बोल सकते हैं बी इज अ सबसेट ऑफ ए। जैसे अपन एक और एग्जाम्पल लेते हैं, एक क्वेश्चन हो गया अपने पास, एग्जाम्पल के एग्जाम क्या हो जाएगा अपने पास, एक हो गया अपने पास क्वेश्चन हो गया अपने पास, ठीक है, ए इज इक्वल टू ए बी सी डी। तो अब मैंने बी को सेट बना लिया सिर्फ ए। देखना अब ये वाला ए और ये वाला ए सेम है, मतलब इसका जो ऑब्जेक्ट है उसका जो डेटा है वो इसके साथ भी आ रहा है। तो अपन बोल सकते हैं कि बी इज अ सबसेट ऑफ ए।
मतलब वो उसका पार्ट होना चाहिए। जैसे अपन बोल रहे हैं, अब जैसे मैंने नया क्वेश्चन लिया एक और, जैसे मैंने लिया ए बी सी डी ई, मैंने ये सेट लिया, ये इस सेट को मैंने नाम दे दिया पी, और इस सेट को मैं नाम दे रहा हूँ क्यू। क्यू सेट क्या हो जाएगा अपने पास, डी और ई, डी और ई। देखना ये डी और ई इस डेटा के साथ एग्जिस्ट कर रहा है, तो अपन बोल सकते हैं कि देखना इसका जो ऑब्जेक्ट है वो उसके साथ भी है, तो ये वाला इसका कुछ पार्ट होगा, तो हम बोल सकते हैं क्यू इज सबसेट ऑफ पी, बोल सकते हैं ना, क्यों बोल रहे, क्योंकि वो उसके साथ है। तो सेम यही है टॉपिक है कि बी वाला जो सेट का पार्ट है ना वो ए सेट के साथ है। कैसे आ रहा है कि ये कोई सेट ए बी माना मैंने, और ये कोई सेट ए है, तो बी तो सेट ए के अंदर ही आ रहा है ना, तो अंदर आ रहा मतलब वो उसका पार्ट हो गया, तो बी को अपन लिख सकते हैं सबसेट ऑफ ए। जैसे नया क्वेश्चन लिखते हैं अपन, क्वेश्चन अपने पास ए इज इक्वल टू ए बी सी, ए बी सी डी ई एफ, और बी मेरे पास सेट है, बी मेरे पास सेट है ए बी सी डी ई एफ जी और एच। अब देखना कौन किसका सबसेट होगा। अब देखना इस क्वेश्चन में क्या है कि ए का जो डेटा है ना वो का वो डेटा इसमें एग्जिस्ट कर रहा, और इसका डेटा बी के साथ है, तो अपन लिख देंगे ए इज सबसेट ऑफ बी। अब बी इज सबसेट ऑफ नहीं, क्योंकि ए बी वाला का एरिया मतलब बी वाले का जो ऑब्जेक्ट डेटा है ना वो बड़ा है। अब देखना अगर इसी क्वेश्चन में क्या हो कि ये दोनों अपने पास नहीं हो, जैसे इसी क्वेश्चन में देखते अपन, इसी क्वेश्चन को देखते हैं अपन, ये वाले क्वेश्चन ले रहा हूँ ना मैं, ए बी सी डी और ई e. और बी वाला सेट क्या बोल रहा है अपने पास, ए बी सी डी और ई e. सिर्फ इक्वल है, तो इक्वल है तो अपन ने कौन सा सेट हो जाएगा, इक्वल होगा तो किस में चेंज हो जाएगा, इक्वल सेट में हो चेंज हो जाएगा, इक्वल है तो इक्वल सेट में चल हो जाएगा, और उसका कुछ छोटा पार्ट है तो वो सबसेट में हो जाएगा। सबसेट और इक्वल सेट में पता चल गया, सबसेट क्या होता है कि वो उसका पार्ट होना चाहिए, और इक्वल सेट क्या होते हैं कि बोथ आर इक्वल होने चाहिए। बोथ आर क्या होने चाहिए, ये देखना मैं इसके ऊपर बना रहा हूँ ना, ये दिख नहीं रहा होगा लेकिन ये इसके ऊपर ही बना रहा हूँ ना, ये हो जाएंगे, ये हो जाएगा अपने पास इक्वल सेट, और ये हो जाएगा सबसेट। ऐसे में अपन एक और क्वेश्चन लिखते हैं, जैसे अपने पास है 1 2 3 4 5 6, ये मेरे पास ए है, बी मेरे पास क्या दे रखा है 2 3, और सी सेट भी दे रखा है मेरे पास 4 5 6। अब कौन किसका सबसेट है देखते हैं, और एक और मैंने डी ए को ले लेता हूँ ना अच्छे समझ में आने के लिए, मैं डी को एक को ले लेता हूँ, डी क्या हो जाएगा मेरे पास 1 2 3। देखना अब मैं जो देख रहा हूँ, देखना डी का सारा डेटा यह कॉमन आ रहा है, तो डी इज अ सबसेट ऑफ ए हो जाएगा, होगा ना ऑफकोर्स। अब देखना 4 5 6, 6 यहाँ पे भी आ रहा है, तो सी इज अ सबसेट ऑफ ए हो जाएगा, 2 और 3 2 और 3 यहाँ पे आ रहा है, 2 और 3 आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, बी इज अ सबसेट ऑफ ए हो जाएगा। अब देखना बी का जो डेटा है ना वो डी में भी आ रहा है, तो बी डी का भी सबसेट होगा, बी डी का भी सबसेट होगा, क्योंकि इसके जो ऑब्जेक्ट है वो इसमें भी आ रहे हैं, इसके जो ऑब्जेक्ट है वो इसमें भी आ रहे हैं, तो बी डी का भी सबसेट होगा। जैसे अपन एक और पढ़ते, एक और क्वेश्चन लेते हैं अपन, सेम नंबर का ही लेते हैं ना अपन, 1 2 3 5 7 9, बी में लेता हूँ 2 3 6, और सी मैंने ले लिया 1 3 5। अब मुझे बताना कौन किसका सबसेट है। देखना यहाँ पे 6 आ रहा है, यहाँ पे कहीं पे भी 6 आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है, तो ये किसी का भी सबसेट नहीं होगा, मतलब डेटा होना चाहिए, अगर नहीं होगा तो मतलब ये बाहर जा रहा है, तो ये इसका सबसेट नहीं होगा। 1 3 5, 1 3 5, तो सी ए का सबसेट है। ऐसे अपन सबसेट को डिफाइन करते हैं, इस पे अपन बहुत सारे क्वेश्चन भी करेंगे। अब अपन
टाइप ऑफ सेट में पढ़ लिया। अब अपन पढ़ते हैं इंटरवल। सेट के अंदर इंटरवल होते हैं, अपन इंटरवल को टू टाइप्स ऑफ इंटरवल होते हैं अपने पास। कितने टाइम के इंटरवल होते हैं? टू टाइप्स ऑफ इंटरवल होते हैं। इंटरवल होते क्या अभी बताते हैं। टू टाइप्स ऑफ इंटरवल होते हैं, कौन कौन से होते हैं देखना। फर्स्ट होता है अपने पास ओपन इंटरवल। कौन सा इंटरवल? ओपन इंटरवल, ओपन इंटरवल। सेकेंड होता है मेरे पास अब अपन सेट के अंदर पढ़ेंगे इंटरवल। अपन तो इंटरवल कितने टाइप्स के होते हैं? तो टू टाइप्स ऑफ इंटरवल। इंटरवल कितने टाइप्स के होते हैं? टू टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक होता है अपने पास ओपन इंटरवल, सेकेंड होता है अपने पास क्लोज्ड इंटरवल। एक होता है अपने पास ओपन इंटरवल, सेकेंड होता है क्लोज इंटरवल। ओपन इंटरवल को अपन कर्व ब्रैकेट से शो करते हैं। कैसे शो करते हैं? ओपन इंटरवल को अपन कर्व ब्रैकेट से शो करते हैं और क्लोज इंटरवल को अपन रेक्टेंगुलर शेप में शो करते हैं। किस में शो करते हैं? रेक्टेंगुलर शेप में शो करते हैं। अब देखना दोनों में डिफरेंस क्या है, अपन दोनों में डिफरेंस समझते हैं ना। एक में मैंने लिख रखा है कर्व ब्रैकेट, ओपन इंटरवल में लिख रखा है 4 और 6। एक मैंने लिख रखा है क्लोज इंटरवल में 4 और 6 में। देखना ओपन इंटरवल में जो बाउंड्री पॉइंट्स होते हैं ना, ओपन इंटरवल्स में जो बाउंड्री पॉइंट्स होते हैं ना वो कैलकुलेट नहीं होते। ये वाले बाउंड्री पॉइंट्स होते हैं ना वो कैलकुलेट नहीं होते, लेकिन जब क्लोज इंटरवल होता है ना उसमें बाउंड्री पॉइंट कैलकुलेट होते हैं। उसमें बाउंड्री पॉइंट कैलकुलेट होते हैं, मतलब अगर इसका आंसर लिखेंगे मीन्स क्या, कैलकुलेट और नॉन कैलकुलेट का मतलब क्या है। जब अपन इसका आंसर लिखेंगे, इसका आंसर क्या आएगा? तो देखना 4 और 6 में नेचुरल नंबर कौन सा होता है? 5। तो इस सेट का आंसर क्या आएगा, इस इंटरवल का आंसर क्या आएगा? 5। और इस इंटरवल का आंसर क्या आएगा? तो इस सेट का आंसर आएगा, इसमें बाउंड्री पॉइंट कैलकुलेट होते तो इसका आंसर आएगा 4, 5 और 6। क्या होगा? 4, 5 और 6। मतलब ओपन इंटरवल में बाउंड्री पॉइंट कैलकुलेट नहीं होते, लेकिन क्लोज इंटरवल में बाउंड्री पॉइंट कैलकुलेट होते। जैसे अपन एक और एग्जांपल समझते हैं, 7 और 9 ये लिख रखा, एक मैंने लिख रखा है 7 और 9। देखना देखना ये दोनों क्या है, ओपन इंटरवल है, ये ओपन इंटरवल है और ये क्लोज इंटरवल है। तो इसका आंसर क्या आएगा? तो ये ओपन इंटरवल है और ओपन इंटरवल में बाउंड्री पॉइंट कैलकुलेट नहीं होते, तो इसका आंसर क्या आएगा? सिर्फ 8 आएगा। अब देखना इसमें एक बाउंड ओपन इंटरवल है और एक क्लोज इंटरवल है, तो ओपन इंटरवल वाला पॉइंट कैलकुलेट नहीं होगा, तो 7 कैलकुलेट नहीं होगा, तो 8 कैलकुलेट होगा और 9 कैलकुलेट होगा, 9 कैलकुलेट हो। ऐसे अपन इंटरवल्स को समझते हैं। अब देखना इंटरवल्स को नंबर लाइन पे कैसे शो करते हैं, इंटरवल्स को नंबर लाइन पे कैसे शो करते हैं। जैसे अपने पास दो नंबर लाइन है, इसी एग्जांपल को लेके अपन सोल्व करते हैं। यहाँ पे मेरा 7 है और यहाँ पे 9 है। यहाँ पे मेरा देखना, यहाँ पे मेरा 7 है और यहाँ पे मेरा 9 है। जब अपन नंबर लाइन पे ओपन इंटरवल और क्लोज इंटरवल को शो करते हैं, तो ओपन इंटरवल को अपन होलो सर्कल से शो करते हैं। किससे शो करते हैं? अपन होलो सर्कल से शो करते हैं। और क्लोज इंटरवल को अपन फुलफिल सर्कल, मतलब सॉलिड सर्कल जैसा अपन बोल सकते हैं, उससे अपन शो करते हैं। तो ये वापस ओपन इंटरवल है, तो इसके लिए होलो आ जाएगा। आया समझ में? जैसे अपन एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसा 8 और 10 ये है मेरे पास एग्जांपल के, तो इसके लिए नंबर लाइन शो करेंगे अपन। नंबर लाइन शो करेंगे तो देखना, ये मैंने 8 ले लिया और 10 ले लिया। अभी मैंने बोला कि अपन 8 क्लोज इंटरवल में अपन कैसे शो करेंगे इसको, सॉलिड सर्कल। तो इसके लिए मैं यहाँ पे सॉलिड सर्कल बना दूंगा, यहाँ पे मैं सॉलिड सर्कल। तो अपन क्लोज इंटरवल को नंबर लाइन पे सॉलिड सर्कल में बनाते हैं और ओपन इंटरवल को होलो सर्कल में शो करते हैं। मतलब सिर्फ
फॉलो सर्कल जैसा शो होता है। तो ऐसे अपन इंटरवल को शो करते हैं। अब अपन देखते हैं कि ये अपने पास किस हो फॉर्म में गिवन होगा। सपोज क्या मेरे पास इस फॉर्म में गिवन है, मुझे ऐसे गिवन है कभी, है ना, ये इंटरवल की बात है ना, कैसे गिवन है बताता हूँ मैं। जैसे मेरे पास चार फॉर्म गिवन है ना, मैं चार फॉर्म बना रहा हूँ, मेरे पास चार फॉर्म कौन कौन सी गिवन है, हाँ, थ्री फोर, ये फॉर्म गिवन है। देखना इसको बोलते हैं अपन, ये इक्वल टू का साइन होता है, तो एक्स लेस देन एंड इक्वल टू थ्री एंड नहीं, एक्स ग्रेटर देन एंड इक्वल टू थ्री लेस देन फोर, ठीक है, ये हो जाएगा एक्स ग्रेटर। यहाँ पे देखना ना, यहाँ पे ये इक्वल टू का साइन लगा रखा है ना मैंने, यहाँ पे इक्वल टू का साइन है, यहाँ पे इक्वल टू का साइन नहीं है, यहाँ पे इक्वल टू का साइन नहीं है, यहाँ पे इक्वल टू का साइन है, और यहाँ पे दोनों जगह इक्वल टू का साइन नहीं है। देखना ना, एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू थ्री एंड लेस देन इक्वल टू फोर, एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू थ्री एंड लेस देन इक्वल टू फोर, एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन थ्री एंड लेस देन फोर, और एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन थ्री एंड लेस देन फोर। ठीक ना, जब इक्वल टू का साइन आ जाएगा तो वो क्लोज इंटरवल में जाएगा, और जो इक्वल टू का साइन नहीं आएगा वो ओपन इंटरवल में जाएगा। कैसे देखना, दोनों जगह इक्वल टू का साइन है तो ये क्लोज इंटरवल में जाएगा। देखना यहाँ पे एक इक्वल टू का साइन है और एक इक्वल टू का साइन नहीं है, तो जहाँ पे इक्वल टू का साइन है वो क्लोज इंटरवल, और जहाँ इक्वल टू का साइन नहीं है वो ओपन इंटरवल में जाएगा। देखना यहाँ पे इक्वल टू का साइन नहीं है तो ये ओपन इंटरवल में जाएगा, और यहाँ पे अपने पास इक्वल टू का साइन है तो ये क्लोज इंटरवल में जाएगा। यहाँ पे दोनों जगह इक्वल टू का साइन नहीं है तो दोनों ओपन इंटरवल में जाएंगे। तो ऐसे अपन ओपन इंटरवल एंड क्लोज इंटरवल को पढ़ते हैं। क्या क्या होते हैं इंटरवल, सबसे पहले इंटरवल टू टाइप्स के होते हैं, ओपन इंटरवल एंड क्लोज इंटरवल। ओपन इंटरवल को अपन कर्व ब्रैकेट से शो करते हैं एंड क्लोज इंटरवल को अपन रेक्टेंगुलर ब्रैकेट से शो करते हैं। देखना जो ओपन इंटरवल होता है ना 4 और 6, इसमें बाउंड्री पॉइंट्स कैलकुलेट नहीं होते हैं, लेकिन क्लोज इंटरवल में बाउंड्री पॉइंट्स कैलकुलेट होते हैं। तो 4 और 6 का आंसर क्या आएगा, 5, और इसके अंदर 4 और 6 का आंसर आएगा 4, 5, 6। फिर अपन नंबर लाइन पे शो करेंगे, नंबर लाइन पे ओपन इंटरवल को होलो सर्कल से शो करेंगे और क्लोज इंटरवल को अपन सॉलिड सर्कल से शो करेंगे। और जब ऐसे नंबर आएंगे अपने पास, ग्रेटर देन इक्वल टू लेस देन इक्वल टू या ओनली फॉर लेस देन या ओनली फॉर ग्रेटर देन, जब भी इक्वल टू का साइन आ जाएगा तो वो क्लोज इंटरवल में चला जाएगा, और विदाउट सिर्फ ओनली फॉर लेस देन या एंड ग्रेटर देन है तो वो ओपन इंटरवल में जाएगा। क्या बोलूँ मैं, अगर ग्रेटर देन इक्वल टू या लेस देन इक्वल टू ऐसे वर्ड आएंगे तो वो अपने क्लोज इंटरवल में जाएगा, सिर्फ लेस देन या ग्रेटर देन ऐसा टर्म आएगी तो अपन को वो ओपन इंटरवल में जाएगा। देखना यहाँ पे क्या, ग्रेटर देन इक्वल, इनको बोलते हैं अपन एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू थ्री एंड लेस देन इक्वल टू फोर, इसको बोलते हैं अपन एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू थ्री एंड लेस देन फोर, इसको बोलते हैं अपन एक्स ग्रेटर देन थ्री एंड लेस देन इक्वल टू फोर, इसको बोलते हैं एक्स लेस देन थ्री, एक्स ग्रेटर देन थ्री एंड फोर, एक्स लेस देन फोर, ऐसे बोलते हैं। कैसे बोलते हैं वापिस देख लेना, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू थ्री एंड लेस देन इक्वल टू फोर, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू थ्री एंड लेस देन फोर, एक्स ग्रेटर देन थ्री एंड लेस देन इक्वल टू फोर, एक्स ग्रेटर देन थ्री एंड लेस देन फोर, ऐसे अपन इसको पढ़ेंगे। आया समझ में, इस पे क्वेश्चंस अपन नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।